यूपी के सोनभद्र में जहां सोना मिलने की चर्चाएं लगातार हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मजदूरों की बलि रोज चढ़ाई जा रही है। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र स्थित एक पत्थर की खदान में चट्टानों के खिसकने से हादसे दर हादसे हो रहे हैं। जहां पहले दो मजदूरों का शव बरामद हुआ था, उसके बाद तीन और मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस प्रकार खनन हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। हादसे के बाद से ही मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायल मजदूरों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें, सोनभद्र के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे। अभी कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पोकलैन मशीन आदि की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि खदान में अभी दो और मजदूर दबे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बचाव कार्य में राष्ट्रीय आपदा राहत बल की भी मदद ली जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है, सोना मिलने से पहले ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, यानी इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है? आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।